अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन सा सेटिंग यूज़ करता हूँ, कौन सी DPI यूज़ करता हूँ, कौन सी माउस DPI यूज़ करता हूँ, मेरी XY क्या है, ये सब चीज़ें आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम माउस की सेटिंग दिखा देते हैं गाइस। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली सेटिंग जो है ना, ये 240 DPI के लिए है, सही एमुलेटर की 240 DPI के लिए। मैं सर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 240, 320, 440 ये सब जो है ना, हम बारी बारी टेस्ट करेंगे और आप लोगों के लिए मैं बेस्ट सेटिंग दिखाऊंगा, सही है। सो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर हम चलते हैं माउस की सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं माउस सेटिंग्स और यहाँ पर जो है ना एडिशनल माउस ऑप्शंस, और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा इतना है, ठीक है। बाकी आते हैं यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शंस में, तो यहाँ पर मेरा स्पीड जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, सही है। सो यहाँ पर जो है ना, मेरा स्पीड है 5, सही है। तो आप लोगों ने भी 5 करके अप्लाई करना है, और ये चीज़ जो है ना, ये आप टिक करके या ना टिक करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये आप लोग टिक करके ही यूज़ करें, सो बेस्ट रहेगा, सही है। और अब चलते हैं कि मैं कौन सा जो है ना ब्लू स्टिक्स यूज़ करता हूँ या कौन सा इमुलेटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैं दो इमुलेटर यूज़ करता हूँ, एक है ब्लू स्टिक 5 और एक है ब्लू स्टिक 4। सो दोनों काफ़ी ज़बरदस्त इमुलेटर्स हैं। ब्लू स्टिक 5 मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्रैश वगैरह नहीं होती, सो PR पुश वगैरह के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, सही है। बाकी सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को इमुलेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ, सही है। तो यहाँ पर जो है ना इमुलेटर्स में, यहाँ पर जो मेरा डिस्प्ले सेटिंग्स है उनमें से यहाँ पर मैं 920x1080 यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी अगर स्ट्रीम मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी में करनी हो तो यहाँ पर जो है ना मैं 1440 भी सेलेक्ट करता हूँ। बाकी यहाँ से जो DPI है वो आप लोग 240 यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये वाली DPI जो है ना सबसे बेस्ट है, मैं कहता हूँ इस माउस के लिए जो मेरे पास है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बेस्ट DPI भी बताऊँगा कि कौन सी DPI आप लोगों की बेस्ट है, सही है। और यहाँ पर जो है ना इंजन में अगर आ जाए, सो इंजन में यहाँ पर आप लोगों ने परफॉर्मेंस पर रखना है, और याद रखें कि अगर आप लोगों के पास मतलब ग्राफिक्स कार्ड है तो तभी आप लोगों का ये वाला ऑप्शन GL सेलेक्ट हो सकता है। अगर आप लोगों का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप लोगों का यहाँ पर ये होगा, बट जो सबसे बेस्ट है वो है OpenGL। एंड बाकी यहाँ पर ये चीज़ जो कि आप लोगों ने पहली दफ़ा देखी होगी, ये वाली चीज़ जो है ना बहुत से लोगों की मतलब अनटिक होती है, ठीक है। इसको टिक करने के लिए अपना एक तरीका है, उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सही है। बाकी यहाँ पर जो है ना CPU कोर्स, आप लोग जो है ना कोर्स यहाँ पर टास्क मैनेजर में आकर, यहाँ से जो है ना परफॉर्मेंस में आकर, CPU में आकर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के PC में कितने कोर्स हैं, ठीक है। मेरे वाले में 4 कोर्स है, तो मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किया है। बाकी रैम जो है ना यहाँ पर 4GB से ज़्यादा नहीं है, सो 4GB ही बेस्ट है। एंड बाकी यहाँ पर जो है ना FPS मेरे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले इमुलेटर मेरे थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जो MSI है ना उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, MSI 4 में। यहाँ पर ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इस वाले इमुलेटर की, सो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, सही है। बाकी यहाँ पर मैंने 90 पर इसको सेलेक्ट किया है, उसकी भी वजह मैं बताऊँगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि ये वाली सारी नोटिफिकेशन जो है ना आप लोग ऑफ रखें, सो आप लोग का गेम जो है ना स्मूथ चलेगा। प्रेफरेंसेस में भी यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग ऑफ कर सकते हैं, इससे आप लोगों का क्या होगा, इनपुट डिले नहीं आएगा, सही है। सो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और यूज़र डेटा एडवांस सेटिंग में, हाँ Asus ROG 2 सबसे बेस्ट जो है ना यहाँ पर एक प्रोफाइल है, सो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर गेम सेटिंग में कुछ नहीं है, और ये वाला वर्जन है ब्लू स्टिक्स 4.240.30.1002, ठीक है। सो ये वाला आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना गेम में चलते हैं, और मेरे पास जो माउस है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कौन सा माउस है, मेरे पास है ब्लडी का J95S माउस, सही है। सो यहाँ पर गाइस जो है ना हम फटाफट से गेम में चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रेनिंग में नहीं जाना, सही है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो सबसे पहले ट्रेनिंग में जाते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग में ना जा, सही है। आप लोग सबसे पहले जो है ना यहाँ से सफर में ये ऑफ कर लो यार, इतने रिक्वेस्ट भी आएंगे ना, ठीक है। सो यहाँ से जो है ना सबसे पहले आप लोग रहना है सोशल आइलैंड में। सोशल आइलैंड में आने की वजह है कि आप लोगों का मतलब क्रैश नहीं होगा, सही है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग आ जाओ ना, तो अगर आप लोगों का क्रैश होता है तो फिर से गेम को स्टार्ट कर ले, सही है। अगर आप लोगों का क्रैश नहीं होता सो फिर आप लोग जो है ना ऐसा करें कि यहाँ पर बस 10 सेकंड के लिए रहे, और फिर जो है ना गेम को यहाँ से पैक कर दे, ठीक है। और अभी जो है ना गाइस आप लोगों को एक ज़बरदस्त चीज़ देखने वाली है, सही है।
एंड वो है यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए FPS कितने आ रही, मतलब 100 आ रहे 90 इस तरह से है। और यहाँ पर वो चीज़ जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ है यहाँ पर FPS glitch, सही है। सो यहाँ पर जो है FPS को मैं फुल हाई कर देता हूँ, सही है। सो यहाँ से जो ना मैं जब फुल हाई कर देता हूँ तो मेरे FPS यहाँ पर 200 से ज़्यादा आ रहे हैं। और ये वाले FPS जो है ना ये फेक नहीं होते, मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग में भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने गेम अल्ट्रा पर प्ले किया, सही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ में। सो उस चीज़ को इग्नोर करना, और बाकी जो है ना गाइस अभी जो है ना क्रैश नहीं होगा, सही है। वहाँ पर जो है ना हमने क्रैश को फिक्स कर दिया है, सो अभी जो है ना क्रैश हमारा नहीं होगा, सही है। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं थोड़ी से हेडशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये रही मेरी सेटिंग्स, एंड ये मतलब मैं 240 DPI यूज़ कर रहा हूँ, सही है। मैं एक एक ट्राई कर रहा हूँ, सही है। अभी मैं आप लोगों को जो है ना और अपनी सारी सेटिंग शो करवाता हूँ कि मैं कौन सी सेटिंग यूज़ करता हूँ, सही है। यहाँ पर शॉट गन से मतलब बेस्ट हेडशॉट लगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को मैं वोट भी करके भी हेडशॉट्स दिखा देता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये वाली सेटिंग है ना इसे वर्क करती है। एंड बाकी ये जो फायर बटन है ना इसका भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि मतलब आप लोग इसको कैसे रखेंगे ताकि आप लोग को आप लोग का जो है ना हेडशॉट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार लेफ्ट फायर बटन यूज़ करो, राइट यूज़ करो। मैं तो कहता हूँ जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो ही आप लोग यूज़ करें, वो जो है ना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एंड बाकी गाइस यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को गेम की सेटिंग दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर ये वाली है, एंड बाकी यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है मैंने जो है ना गाइस यहाँ पर जो है ना फुल ज़ीरो कर रखी है। एंड हाँ यहाँ पर माउस सेटिंग में एक और चीज़ रह गई थी, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, सही है। यहाँ पर अगर आप लोग कंट्रोल पैनल में आएंगे, सो कंट्रोल पैनल में जो है ना यहाँ पर ईज एसेस में आएंगे, सो यहाँ पर जो है ना चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स, और यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी आ सकते हैं चेंज माउस वाला, सही है। और इसके बाद सेटअप माउस कीज़। और यहाँ पर बहुत से लोग आप लोग कहेंगे कि यार ये रखो वो रखो, मैं आप लोग को कहता हूँ कि यहाँ पर दोनों को फुल लो रखो, सही है। फुल लो से क्या होगा कि आप लोग का जो है ना मतलब जो रिकॉयल होता है ना, मतलब इस तरह जो आप लोग ड्रैग करते हैं ऊपर जो इस तरह जाता है, ठीक है, ये आप लोग का थोड़ा सा कम होगा अगर आप लोग का ड्रैग थोड़ा सही है, ठीक है। आप लोग का जो है ना एम मतलब हेड पर ही वहाँ पर रुकेगा, सही है। सो ये चीज़ जो है ना सबसे बेस्ट है। एंड बाकी यहाँ पर आते हैं कस्टम हट में, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सही है। यहाँ पर जो फायर बटन का साइज़ है ना वो यहाँ पर मेरा है 40, सही है। और मैं राइट फायर बटन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं एडवांस सेटिंग में आ जाऊँ ना, सो एडवांस सेटिंग में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ वह है 79.24 एंड यहाँ से 58.6 जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट है, सही है। इसको आप लोगों ने चेड़ना नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट होती है वो बेस्ट होती है उस सिमुलेटर के लिए। एंड बाकी यहाँ पर जो मेरी एक्स है वो है 1.8 एंड वो है वाई है 0.79, कभी कभी 0.85 या 0.88 भी रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी ट्वीक्स एक डिफ़ॉल्ट है गाइस, मैं आप लोगों को एक ट्वीक दिखाऊंगा एंड वो ट्वीक जो है ना काफ़ी मज़े की रहने वाली है, सही है। वो ट्वीक जो है ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा, सही है। चलो गाइस वो वाला ट्वीक तो मैंने भी लगा लिया है और आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि मतलब उससे क्या होगा, ठीक है। उससे मतलब आप लोग एम जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड आप लोग ऐसे लगेगा ना कि मतलब मेरा एम जो है ना वो खुद हेल्प से जा रही है, पर देखिए मेरा एम में जो है ना थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं, मतलब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ना मेरे एम में जो है ना थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मतलब यार एम जो है ना कोई हेड पर लेके जा रहे, सही है। सो ये वाला ट्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोग को एक दिन ज़रूर शो करवाऊँगा क्योंकि ये वाला जो है ना पेड सेंसिटिविटी में आता है, ठीक है। सो इस वजह से मैं यहाँ पर शो नहीं करवाऊँगा, ठीक है। एंड बाकी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला ट्रिक है, सही है। ये जो 1650 450 है ना ये वाला मैं नहीं कर रहा, मैं एक और यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, सही है। एंड बाकी इधर एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एंड वो है यहाँ पर फायर साइज़ का जो है ना वो क्या कहते हैं साइज़ एंड उसका लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन कर दे और जो ये फायर साइज़ यहाँ पर जो है ना ये वाला आप लोगों ने बिल्कुल मेरी तरह सेम टू सेम रखना है, सही है। यहाँ पर जो है ना इस तरह रखना है, थोड़ी सी गैप रह जाए, ठीक है। यहाँ पर मेरा माउस बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है बट आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी गैप को करना है एंड उसके बाद आप लोगों ने सेव करना है। और आप लोग जो हेड लगने वाले हैं ना भाई इस तरह हेड लगेंगे कि आप लोग क्या लगेगा कि यार ये कोई किसी ने पैनल लगाए कि कैसे है, सही है। एंड बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को माउस की भी सेटिंग शो करवा देता हूँ, ठीक है।
बाकी जो है ना यहाँ पर देखो भाई बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, मतलब कोई पैनल वगैरह नहीं है। बाकी जो है ना इधर ओके शॉर्ट्स भी आप लोग के स्टार्ट कर सकते हैं, सही है ना गाइस। ओके गाइस तो अभी चलते हैं यहाँ पर माउस की सेटिंग में। माउस की सेटिंग में यहाँ पर अगर ब्लडी माउस आपके पास है तो यहाँ पर मैं अल्ट्रा कोर 3 यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके साथ जो मेरी DPI है वो है 1800 DPI भी, मतलब ऐसे हेड लगते हैं ना कि आप लोग कहेंगे कि यार ये बिल्कुल हैकर टाइप है, ठीक है। लेकिन उस मैं लो सेंस यूज़ नहीं करता वरना इसमें जो है ना रिकॉयल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। रिकॉयल जो है ना यहाँ पर आप लोग को रिकॉयल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये वाली जो है ना ये भी बेस्ट है, लेकिन इसमें माउस बहुत ज़्यादा मूव करना होता है एंड दो वाले बंदों को आप लोग का जो है ना थोड़ा सा एम सही लग सकता है। बाकी जो है ना यहाँ पर नज़दीक वाले बंदों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैक करना होगा, सही है। सो मैं इतना ट्रैक नहीं कर सकता जिसकी वजह से मैं जो है ना ये वाली यूज़ नहीं करता, ठीक है। बाकी आप लोग का अपना चॉइस है, आप लोग जोन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ना और कौन सी सेटिंग रहती है, माउस की भी सेटिंग हो गई। हाँ यहाँ पर एक और चीज़ रहती है वो है हमारी पॉलिंग रेट, जिसको मतलब आप लोग रिबॉर्ड रेट भी कुछ लोग कहते हैं, पॉलिंग रेट भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 500 रखी है, 100 में मतलब आप लोग का जो है ना एम इस तरह बारी सा हो जाते हैं ना, मतलब आप लोग फिर आप लोग जो है ना फिर ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि ये 500 रखे भाई, इतने ज़बरदस्त हेड लगते हैं ना कि मैं आप लोगों को मतलब नहीं बता सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं 500 रख लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है ना आप लोग को ईजी फील होगा, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल ईजी फील होगा। एंड यहाँ पर बस ये रही मेरी सेटिंग्स आजकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आप लोग के काम नहीं, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए मैं बेस्ट सेटिंग लेके आ रहा हूँ जो नॉन गेमिंग माउस के लिए है, क्योंकि सिर्फ गेमिंग माउस के लिए तो नहीं है ना, नॉन गेमिंग माउस के लिए जो सेटिंग्स है वो भी मैं आप लोगों को शो करवाऊंगा, ठीक है। सो आप लोग वो वाली सेटिंग ट्राई कर सकते हैं एंड आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई सो वीडियो को लाइक करें एंड हाँ जिसको PC की पैड सेंसिटिविटी चाहिए वो मुझे कमेंट कर दे, क्योंकि ये सारी रेजिडेट्स और ये सारी चीज़ जो है ना वहाँ पर ही होती है। एंड बाकी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार साहिद भाई क्या यूज़ करते हैं, रेजिडेट यूज़ करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आप लोग को आज दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल R रेजिडेट एंड यस कर देता हूँ और इधर से जो है ना किधर चेक करते हैं यार, यहाँ से जो है ना मेरे ख्याल से इधर से चेक करते हैं एंड नहीं इधर में यहाँ पर तीसरे नंबर पर एंड यहाँ से माउस में कंट्रोल पर तीसरे नंबर पर और किधर है यार यहाँ पर कौन सा होता है, नहीं ये वाला नहीं है, दूसरे नंबर मेरे ख्याल से होगा कंट्रोल पैनल, हाँ ये रहा। एंड इधर जो है ना अगर आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर जो मेरा माउस है यहाँ पर मैं कोई मतलब यूज़ नहीं करता, ठीक है, जो क्या होते हैं माउस का कोई रिजिडिट, मेरी बिल्कुल फेयर गैप है, ठीक है, बिल्कुल फेयर गैप है, सही है। सो ये आप लोगों ने जहन में नहीं लेना कि भाई मैं कोई रिजिडिट यूज़ करता हूँ या कोई राइस यूज़ करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही फेयर गैप है, ठीक है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितना प्रैक्टिस है। सो गाइस उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आई, कोई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।